आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीमा के दस्तखान के साथ मैं हाजिर हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, आपका दस्तखान हमेशा भरा रहे, दूसरों में खुशियाँ बांटें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के कबाब, आलू के कटलेट्स, आलू और चिकन के कटलेट्स और चीज़ कटलेट्स आलू के। तो अब मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ। मैंने हाफ के जी वो आलू ले लिए थे, इनको बॉईल कर लिया है, और ये भी हाफ के जी लिए हैं, इनको भी बॉईल कर लिया है और मैश कर लिया है, इसको दोनों को हाफ के जी लिया है। तो मैं पहले सिंपल वाले बताऊंगी, सादे कबाब आलू के, और फिर दूसरे बताऊंगी चिकन वाले, इसमें हम चिकन डालेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते। हमने इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून हाफ के जी के अंदर। अच्छा, सेम सब चीज़ें सेम है, इसके अंदर सेम ही डालेंगे, दो तीन चीज़ों का फ़र्क है। 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट डाला, इसमें भी हम सॉल्ट डाल दिया है। अब हमने इसमें कुटा हुआ रोस्टेड, हल्का सा रोस्टेड हुआ हुआ हमने कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, साबुत धनिया डाल दिया है, 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है। कुटी हुई काली मिर्च डाल दी हमने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाल दी हैं। रोस्ट हुई हुई मिर्चें, लाल क्रश रेड चिली 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दी, 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दी। इसको भी हल्का सा रोस्ट हुआ ज़ीरा, इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है, ये डाल दिया हमने 1 टीस्पून इसमें, 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया। चाट मसाला हमने इसमें 1 टीस्पून डाला, और 1 टीस्पून हमने इसमें डाला चाट मसाला। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून हमने इसमें डाला, 1 टीस्पून इसमें डाला। हरी मिर्च हमने लेंगे 1 टीस्पून इसमें काट के हरी मिर्च, और 1 टीस्पून हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी। अच्छा, इसके अंदर हम अनारदाना डालेंगे, सिंपल कबाब है, इसमें हम अनारदाना डालेंगे, हमने इसे कूट लिया है, इसको पानी में थोड़ा सा डाल के हमने इसको कूट लिया है, ये डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अंदर हम लेमन जूस डालेंगे या सिरका डालें, आपकी मर्जी है, 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून डालेंगे भर के। अच्छा, सोया सॉस ऑप्शन है, अगर आप सादे कबाब में डालना चाहें तो डालें, वरना इसमें डलता नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन है, अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। तो हम 1 टीस्पून के जितना डाल देते हैं, थोड़ा सा है तो डालें, वरना ज़रूरी नहीं है। और इसके अंदर चिकन के कबाब के अंदर इसमें हमने 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाला हमने। ऑस्टर सॉस थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून के जितना, बस इसमें नहीं डालेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया, इसी में भी हमने 2 टेबल स्पून जितना हरा धनिया डाल दिया। थोड़ी सी प्याज डाल दी हमने 2 टेबल स्पून की जितनी, हमने इसमें प्याज डाल दी है, और 2 टेबल स्पून की जितनी इसमें हमने डाल दी। पुदीना हमने इसमें थोड़ा सा पुदीना डाला है, 1 टेबल स्पून पुदीना थोड़ा डालेगा, और ये थोड़ा हमने इसमें डाल दिया, ऑप्शन है पुदीना, टेस्ट ज़रा अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने डाला है। बस अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमने थोड़ी सी 1/2 टीस्पून की जितनी रोज़मेरी लेंगे, और इसको हमने इसे मसल के डाल देंगे इसके अंदर, ये ऑप्शन है, डालें तो डालें, वरना ज़रूरी ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाता है, ये जो चिकन वाले। और ये हमने इसमें चिकन डाल दिए, हाफ के जी मैंने चिकन ली थी, उसको बॉयल कर लिया मैंने, बॉयल करके उसको मैंने इस तरह से कर लिया, वो हमने डाल दी 1/2 केजी चिकन। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, इसको अलग मिक्स करेंगे। ये देखिए, मिक्स कर लिया है मैंने इसको, ये सादा सिंपल कबाब के। अब इसके अंदर जो मैंने चिकन वाले बनाए चिकन के कटलेट्स, इसके लिए मैं इसको भी मिक्स कर रही हूँ। हम थोड़े सादे आलू का जो हमने कबाब का मिक्सचर बनाया है वो हम लेंगे, उसका कबाब बनाएंगे, और हमने थोड़ा थोड़ा लेंगे। मैं आपको इसके 4 कबाब बना के बता दूँगी, इस तरीके से हमने किसी भी शेप में बना सकते हैं।
हाँ ये हमने बना लिए, इसी तरह सारे बना लेंगे। मैं आपको चिकन का बता दूँ, इसका भी थोड़ा मिक्सचर लेंगे हम हाथ पे तरीके से, इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। बड़े छोटे अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया। अच्छा मैं एक और बताती हूँ आपको, अभी हमने ये इसको फैला लेंगे मिक्सचर को थोड़ा हाथ पे इस तरीके से, यही वाला चिकन का। तो चीज़ के लिए भी यही है, सारे सब चीज़ें यही डालेंगी, बस इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे हम, जितनी आपको डालनी है। ये हमने इसमें डाल दी और इसको 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून का जितनी आप डाल दें चेडर चीज़। हम इस तरह से इसको बंद कर लेंगे, बंद करके हम इसको प्रेस कर देंगे हाथ से ताकि ये निकले नहीं। इसी तरह हम इसके कबाब बना लेंगे। ये चीज़ कबाब हो गए, पटाटो चीज़ कबाब, देखिए बन गए इस तरीके से। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे और फिर मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। हमने अंडा ले लिया और ब्रेड क्रम्स ले लिए, 2 अंडे ले लिए, 1 ब्रेड क्रम्स ले लिए। पहले हमने अंडे में इसको फोल्ड करना है कबाब को, सादे वाले को, या आपकी अगर अंडे में नहीं करना चाहे सादे वाले को, आप जो अंडे नहीं खाते तो ब्रेड क्रम्स में करके कर लें खाली, या आपके ऊपर है। ठीक है, इसी तरह से सारे करेंगे हम। पहले अंडे के अंदर डिप करना है हमें, इसको ब्रेड क्रम में डिप करना है हमें। इसी तरह सारे करेंगे और फिर मैं आपको फ्राई करके बताऊंगी। अब हमने ऑयल ले लिया, ऑयल का गर्म करके फिर हम इसके अंदर डालते जाएंगे एक एक करके। डाल दिया हमने, इसी तरह हम चार कर लेंगे एक में, जितने आ जाएं खट्टे ज़्यादा नहीं डालने। इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह हमने इसको पलट लिया, देखिए इतना अच्छा कलर आ रहा है माशाल्लाह से, इतने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। हमने इसे डिश आउट कर लिया है। अच्छा ये सादे वाले, इसको हमने अंडे ब्रेड क्रम्स में किया था सभी अंडे, और पहले अंडे में डिप किया फिर ब्रेड क्रम्स में, चाहें तो करें नहीं तो ये सादे भी फ्राई हो जाते हैं। अगर अंडा नहीं लगाना चाहें तो ब्रेड क्रम्स लगा लें, ऐसे भी कर लें, जैसे मर्जी चाहे कर लें। तो उसको सॉस मैंने बनाई थी, मैंने मायनीस ली थी, उसके अंदर केचप डाल दी थी 1 चमचा, 2 टेबल स्पून मायनीस ली, एक में केचप डाल दी थी 1 चमचा। तो ये इस तरह से कर लिया। अच्छा इसके अंदर मैंने दही ली थी और राइट चटनी ली जो बनाई थी मैंने अभी, उसमें दिखाई थी मैंने आपको, तो पिछली मेरी रेसिपी में देखिएगा, तो उसके अंदर वो 1 टेबल स्पून वो उसमें मैं डाली थी दही के अंदर, वो कर ली। सलाद बनाया मैंने, सलाद के साथ सर्व करने से खीरा बना लें इसके साथ, इसके साथ हमने चिली गार्लिक सॉस केचप के साथ इसको ट्राई करें और रायता बना लें। और ये रमज़ानों की रेसिपी है, बहुत अच्छी, ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर चीज़ डाली थी, ये देखें तरीके से। आप भी इसी तरीके से बनाएं, ट्राई करें तीनों रेसिपियाँ जो भी बनाना चाहें। आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, कोई गलती होगी तो बताइएगा ज़रूर। पूरी शुरू से आखिर तक वीडियो देखिएगा। इसी के साथ लेते हैं ज़्यादा, ज़िंदगी रही तो कल नई डिश के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।